गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, माय नेम इज़ रितेश राउत, लेक्चरर इन सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, NIT पॉलिटेक्निक नागपुर। आवर सब्जेक्ट नेम इज़ रूरल डेवलपमेंट एंड सब्जेक्ट कोड इज़ 22505। यूनिट 3, रूरल रोड्स, हाउसिंग एंड एनर्जी, इन विच वी विल सी टॉपिक 3.8, दैट इज़ गोबर गैस प्लांट। दिस इज़ अवर विज़न मिशन ऑफ ए प्रोग्राम। विज़न इज़ टू इम्पार्ट एक्सीलेंट सिविल इंजीनियरिंग स्किल्स टू डेवलप एम्प्लॉयबल सिविल डिप्लोमा इंजीनियर्स। Mission is imparting the modern technical skills as per the requirement of the industry to improve employability, to develop social and environmental responsible civil engineers, effective implementation of teaching learning process to benefit students. Here is learning outcome, in which course outcome is suggest the relevant government scheme for construction of roads, housing and energy conservation. And unit outcome, identify the sources of renewable energy for the given site condition. Here are several POs which is mapped with the unit and the topic. That is PO1, basic discipline and knowledge, PO3, design development of solutions, PO6, project management, and PO7, that is lifelong learning. Now, gobar gas plant. It is a type of composting plant. In this plant, gobar gas is produced from solid waste which is biodegradable in nature. गोबर ग्लास प्लांट में सॉलिड वेस्ट को बायोडिग्रेडेबली जो नेचर में होते हैं, जो डिकम्पोज होते हैं, सड़ गल सकते हैं, ऐसे चीज़ों से हम गैस प्रोड्यूस करते हैं। अ गोबर गैस प्लांट हैज़ 3 मेन कंपोनेंट पार्ट्स, इनलेट चैम्बर, डाइजेस्टर एंड आउटलेट चैम्बर। इसमें 3 पार्ट होते हैं। इनलेट चैम्बर, जहाँ से हम गोबर पानी को मिक्स करके उसमें डाला जाता है। फिर डाइजेस्टर, जहाँ पे एनारोबिक प्रोसेस होती है। एनारोबिक मतलब बिना ऑक्सीजन के डाइजेशन जो होता है, जो कंपोस्टिंग होती है, उसे कहा जाता है एनारोबिक प्रोसेस। उस डाइजेस्टर में गैस लिबरेट होती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, और वो गैस को रिलीफ करने के लिए आउटलेट चेंबर होता है, जिसे हम फ्यूल की तरह इस्तेमाल कर सकें। रॉ मटेरियल इंक्लूड एग्रीकल्चरल वेस्ट। रॉ मटेरियल हम जो इनपुट डालेंगे उसमें क्या क्या आ सकता है? एक रॉ मटेरियल एग्रीकल्चरल वेस्ट, खेती बाड़ी का जो भी कचरा निकलता है जो कि बायोडिग्रेडेबल हो, सड़ गल सकने वाला। मैन्योर मतलब खाद, खत, म्यूनसिपल वेस्ट, काउडंग, गोबर, फूड वेस्ट, जो वेस्ट खाना होता है, जो फल सब्जी इसका जो लेफ्ट ओवर बचता है वो, अलॉन्ग विद वाटर एंटर द डाइजेस्टर थ्रू इनलेट चैम्बर। इन सब के साथ पानी भी मिलाया जाता है। हियर एनारोबिक विदाउट ऑक्सीजन डाइजेशन ऑफ ऑल द ऑर्गेनिक मैटर टेक्स प्लेस एंड गोबर गैस इज फॉर्म। ये सारी चीज़ों का वहाँ पे क्या होता है? एनारोबिक डाइजेशन होता है और गैस फॉर्म होती है। इट इज़ यूज एज फ्यूल, जिसे हम ईंधन की तरह यूज़ कर सकते हैं फॉर डोमेस्टिक कुकिंग, घरगुती घर में खाना बना करने के लिए, इन रूरल एरियाज, गाँव के एरिया के लिए। एंड डाइजेस्टेड स्लज इज़ यूज एज अ फर्टिलाइजर फॉर क्रॉप्स। और जो गैस निकलने के बाद में जो नीचे हमारे पास स्लज बचेगा, जो भी स्लरी बचेगी, उसको हम एज अ फर्टिलाइजर यूज़ कर सकते हैं खेतों में, फार्म में। ये डायग्राम देख सकते हो आप, यहाँ पे आपको दिख रहा है इनलेट चैम्बर, यहाँ पे आप देख सकते हो स्लरी ऑफ कैटल डंग, जो भी जानवर होते हैं उनका गोबर प्लस पानी, उसका मिक्सचर करके यहाँ से डाला जाता है। उसके बाद में ये देख सकते हो आप, यहाँ पे ग्रीन पाइप लगा हुआ है जो कि गैस लिबरेट होती है उसको यूज़ करने के लिए। यहाँ पे वॉल्व भी लगा हुआ है ताकि हम उसको ज़रूरत पड़ने पर चालू और बंद किया जा सके। ये डोम है, ये स्लैब कवर दिया गया हुआ है स्लैब का, ओके। उसके बाद यहाँ पे आउटफ्लो फॉर बायोगैस, और यदि यहाँ पे ओवरफ्लो होता है डंग और वाटर मिक्सचर का, गोबर वगैरह का जो भी मिक्सचर है सब, अगर ओवरफ्लो होता है तो उस ओवरफ्लो को यहाँ पे एक चैम्बर दिया गया हुआ है, यहाँ से ये ओवरफ्लो टैंक बनाई गई है ताकि मेंटेन हो सके, ताकि गैस जाने के लिए बराबर पाइप ब्लॉक ना हो सके। तो इस तरीके का डायग्राम है। नाउ एनिमल डंग, ड्राई लीव्स, सूखी पत्तियाँ, वेट गार्बेज, गीला कचरा गेट डिकम्पोज्ड बाय एनारोबिक प्रोसेस, ये सारी चीज़ें हम उसमें डाल सकते हैं। दिस प्रोड्यूस मिथेन गैस, ऑल्सो नोन एज बायोगैस, जिससे मिथेन गैस निकलती है जो कि ज्वलनशील होती है, और उससे एज अ फ्यूल हम यूज़ कर सकते हैं। बायोगैस कंटेंस 60 to 66% मिथेन
एंड रिमेनिंग इज कार्बन डाइऑक्साइड। और उसमें क्या होता है कि 60 to 66% मीथेन होता है और बाकी का जो बचा हुआ है वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। अपार्ट फ्रॉम इट्स यूज एज अ फ्यूल, अ गुड फ्यूल मैन्यूर इज प्रोड्यूस एज अ बाय प्रोडक्ट। और जैसे कि मैंने बताया था कि जो बचा हुआ लेफ्ट ओवर है नीचे, वो हम बाय प्रोडक्ट कैसे यूज़ कर सकते हैं, खाद की तरह। प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस इज एनारोबिक प्रोसेस, इट टेक्स प्लेस इन टू स्टेजेस। मेन कंपोनेंट पार्ट्स आर मिक्सिंग टैंक, इनलेट चैम्बर, डाइजेशन टैंक, आउटलेट पाइप्स एंड गैस पाइपलाइन, जो कि एक डायग्राम में हम देख सकते हैं। इफ्लुएंट डाइजेस्टर टैंक, मिक्सिंग टैंक और आउटलेट। इसके फ़ायदे क्या क्या है? इट इज़ क्लीन नॉन पोल्यूटिंग फ्यूल, जिससे कोई धुआं नहीं होता है, जैसे लकड़ी और कोयला जलाने पे होता है। स्मेल नहीं होती है, सस्ता होता है और टिकाऊ होता है। इंस्टॉलेशन ईजी होता है, आटा चक्की भी चला सकता है, इलेक्ट्रिक बल्ब भी चल सकते हैं, मेंटेनेंस इजी होता है और रेसिडुअल स्लरी कैन बी यूज एज मैन्योर। इसमें हमने देखा बायोगैस प्लांट वर्किंग, उसके एडवांटेजेस, कंपोनेंट पार्ट्स। ये आपका असाइनमेंट नंबर 15 रहेगा। थैंक यू।